जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ फिर एक बार जुड़ रहा है प्रो कबड्डी लीग का ट्रिपल पंगा लेकर। आज फिर तीन मैच हैं और तीन मैच का यह पहला मैच यू मुंबा वर्सेज यूपी योद्धा। एक मेरी होम टीम है और एक है यू मुंबा की टीम। खैर, क्या होने वाला मैच का फॉर्च्यून, कैसी कहां स्टैंड कर रही है दोनों टीमें, क्या है प्लेऑफ की इक्वेशन, किन प्लेयर्स की फॉर्म पे डिपेंड करेगा ये मैच, क्या बनेगी हमारी फैंटेसी टीम, अब कैसे आएगा ज्यादा प्रॉफिट, इतनी सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है, @MohitCricketologist सर्च करिए, क्रिकेटोलॉजी के नाम से टेलीग्राम पर चैनल आएगा, 7,500 के आसपास मेंबर हैं, उसी चैनल को आप ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम पर। ध्यान रखें, किसी भी फेक चैनल्स पर ना जाएं, मेरे नाम पे लोग फेक चैनल्स बना के ठगी कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें, बचें, क्योंकि मैं अपनी प्राइम रैंक देता नहीं हूं। बेस्ट तरीका यह है कि इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और अभी के अभी जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की, यू मुंबा वर्सेज यूपी योद्धा। यू मुंबा इंडिफरेंट फॉर्म में रही है, इंडिफरेंट कहें तो कि किसी दिन बहुत अच्छी लगती है, एक अचानक से फजल अत्रा चली, रिंकू, आपका हरेंद्र, राहुल सेतपाल सब चलने लगते हैं डिफेंस में, किसी दिन रेडिंग में बहुत बढ़िया लगने चलने लगती है और अभिषेक और अजीत रोके नहीं रुकते हैं, लेकिन अगले दिन सब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये टीम इज तो बस पिछले मैच की पेल शैडो थी। यूपी होता कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और इसी वजह से नंबर 3 पर स्टैंड है कर रहे हैं पॉइंट टेबल में, क्वालिफायर्स में जाने के लिए, आगे प्लेऑफ्स में जाने के लिए दे आर वेल प्लेस्ड। डिफेंस की बात करें तो यूपी योद्धा के पास नितेश, सुमित, आशु के रूप में 3 बढ़िया डिफेंडर हैं, श्रीकांत यादव और सोम उनको बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं इनके, और ये सारे फॉर्म में भी हैं। सबसे बढ़िया बात यह है यू मुंबा के पास फजल के रूप में बड़ा नाम है लेकिन इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है फजल की अभी तक, रिंकू एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर जरूर रहे डिफेंस में। रेडिंग की बात करें, अभिषेक बढ़िया काम किया है अभिषेक ने ऑब्वियसली मुंबई के लिए, लेकिन अजीत को जब से लेग इंजरी हुई है उनका रिफ्लेक्सेस थोड़ा धीमे लग रहे हैं, फुटवर्क उतना बढ़िया नहीं लग रहा है जिसकी वजह से ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेकर आ पा रहे हैं अजीत कुमार, तो ये कंसर्न है। और उधर सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल तो बिल्कुल रंग में आने लग गए, पिछले 2 मैच में 210 लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां जो रीडिंग है वो एज ए टीम बहुत बढ़िया खेल रही है यूपी की। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो मुंबई के पास कुछ नहीं है और यूपी के पास श्रीकांत और शुभम कुमार के रूप में 2 बढ़िया ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं जो एज है वो सेक्शन बाई सेक्शन भी, डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट भी यूपी योद्धा के साथ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो मैच विनर पे इन्वेस्टमेंट करना है वो यूपी योद्धा पे करना है। आप कहां करना है और कैसे करना है ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर पहुंचिए, वहां प्रॉफिट प्लान 2022 करके एक मैसेज दिया हुआ, फ्री का प्लान है, कोई चार्ज नहीं करता मैं उसका, आपको पढ़ना है वो मैसेज, बस 5 मिनट निकाल के स्टेप बाय स्टेप समझना है और बस फॉलो करना है 10 मैच में, सेम टू सेम, बस अपने आप में डिसिप्लिन रखना, लालच को आपने आसपास मत घूमने देना, 10 मैच फॉलो कर लो, प्रॉफिट आने लगेगा, इस बात का दावा और वादा मैं कर रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की फैंटेसी टीम की क्या हो सकती है, तो ये देखें आप अपनी स्क्रीन पर, 3 डिफेंडर मैं लेके जा रहा हूं और इन्फॉर्म डिफेंडर्स लेके जा रहा हूं, नितेश कुमार को लेके जा रहा हूं मैं, सुमित को लेके जा रहा हूं और मैं लेके जा रहा हूं आपका रिंकू को, नितेश, सुमित, रिंकू 3 डिफेंडर हो गए, 1 ऑलराउंडर श्रीकांत यादव और 3 रेडर अभिषेक, प्रदीप और सुरेंद्र गिल। अब देखो फजल अत्रा चली को मैं ले सकता था लेकिन लेता किसकी जगह, 3 डिफेंडर जो रेडर हैं ये तो पक्का चाहिए मुझे, मैं इनमें से ये तीनों अनड्रॉपेबल हैं, किसी को ड्रॉप नहीं कर सकता, ऑलराउंडर कैटेगरी में कम से कम 1 प्लेयर लेना होता है, श्रीकांत यादव बेस्ट ऑप्शन है, तो 4 प्लेयर ऑटोमेटिक पिक हो गए। ये बात आ गई 3 डिफेंडर्स पे कि इनमें से 3 कौन, सुमित की जैसी फॉर्म चल रही है आप बाहर करेंगे नहीं करेंगे, रिंकू की जो फॉर्म है आप बाहर करेंगे नहीं करेंगे, तो बात आ गई कि नितेश, आशु, फजल इन 3 में से किसको लेना है, फजल इनकंसिस्टेंट रहे। अब देखिए चूंकि मुंबई का रेडिंग थोड़ा कमजोर पड़ रहा है अजीत की इंजरी की वजह से तो टैकल पॉइंट्स यूपी को मिलने की संभावना ज्यादा है, अब जब यूपी को टैकल पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे तो यूपी के डिफेंडर्स भी हमारी टीम में ज्यादा होने चाहिए, इसलिए मैंने प्रेफर किया नितेश को, और नितेश चूंकि कॉर्नर पे रहते हैं तो वहां पे टैकल पॉइंट्स भी ज्यादा आने की संभावना, इसलिए आशु के ऊपर मैंने नितेश को प्रेफरेंस दी है, हालांकि आप आशु को भी लेकर जा सकते हैं, पिछले 2-3 मैच में आशु का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए नितेश के साथ। तो ये हमारी टीम हो गई, अब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन, ऑप्शंस क्या है आपके पास, अभिषेक ऑप्शंस है आपके पास, गिल है आपके पास,
प्रदीप नरवाल हैं। तीन ऑप्शन तो एटलीस्ट है अगर हम डिफेंस से किसी को कैप्टनसी के लिए कंसीडर फिलहाल की सिचुएशन में ना भी करें, तो आपको इन्हीं तीन के बीच में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। अगर आप आउट एंड आउट जाना चाहते हैं तो सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल के कॉम्बो के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप सुरेंद्र गिल को कैप्टन बनाइएगा इस टीम का और वाइस कैप्टन आप अभिषेक और प्रदीप में से बनाइएगा। किसको बनाए ये अहम है। अब चूंकि अभिषेक ज्यादा रेड कर रहे हैं, लीड रेडर है अपनी टीम के, तो गेम कवर प्रदीप से ज्यादा अभिषेक का आ जाता है, तो इस वजह से मैं वाइस कैप्टन अभिषेक और कैप्टन गिल के साथ जाना चाहता हूं इस टीम में। ठीक है, मेरी बात टीम के बारे में खत्म हुई, बात आ जाती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, तो दोस्तों तरीका बढ़िया ये है कि ड्रीम इलेवन जैसी एप्स में सिवाय ग्रैंड लीग के कुछ ना खेलें, अपना हेड टू हेड मतलब दो मेंबर से लेकर 25 मेंबर तक के कॉन्टेस्ट खेल लें। अभी पहुंचे विजन इलेवन ऐप पर, ऐप का लिंक जहां टेलीग्राम का दिया हुआ है सबसे ऊपर वाले कमेंट में जस्ट वहीं दिया हुआ है, उसके नीचे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फायदे बता दूं शॉर्टकट में, कॉन्टेस्ट एंट्री कम एक फायदा, दूसरा फायदा ये है कि यूजर कॉम्पिटिशन कम है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका उसमें क्या बोलते हैं प्रॉफिट मेजरमेंट में। ठीक है, एवरेज टीम से भी विनिंग आ जाती है। और तीसरा फायदा आपका ये है कि प्लेयर्स की क्रेडिट वैल्यू कम है। सेम टीम आप ड्रीम इलेवन बनाने चले जाओ बनेगी नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात। पीएसएल की वीडियो आ चुकी है, पहले मैच की वीडियो है, बाकी दो मैचेस की वीडियो भी चैनल पर है, तो जुड़े रहिए चैनल से। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा जाएं। हमारी आपकी मुलाकात हर दिन की तरह होती रहेगी। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।